गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है मोबीटेक में आईडी कैसे बनाएं, उसका पूरा प्रोसेस जानें स्टेप बाय स्टेप और देखते हुए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट तीनों को अपने साथ रखें, उनके नंबर लिख लें और आधार में आपका नंबर रजिस्टर हो। तो देखते हैं आगे। तो जैसे आप डाउनलोड करते हैं मोबीटेक ऐप, तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करना है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको क्या होगा, ओटीपी का ऑप्शन आएगा इधर, सेंड ओटीपी पे। तो ये खुद ही ऑटोमेटिक आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ई केवाईसी करनी है आपको। ई केवाईसी कैसे करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डाल के आपको सेंड ओटीपी करना है। तो अगर ऐसा आता है तो आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लें आधार कार्ड सेंटर जाकर। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपको ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ओटीपी आता है तो ये खुद ही वेरीफाई हो जाता है। तो आप ओटीपी एंटर करते हैं उसमें, ठीक है। ओटीपी जैसे आएगा, ठीक, तो इसको आप एंटर करें और वेरीफाई करें। अगर वेरीफाई नहीं है तो आप रजिस्टर कर लें। तो यहाँ दिख रहा है आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आधार वैलिडेट। अब पैन कार्ड नंबर डालना है। तो मेन क्या है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट तो सबसे ऊपर एंटर रेफरल कोड आता है, जिनके साथ आप ज्वाइन होना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट दे सकें, तो उनका रेफरल कोड जरूर डालें, जिससे आपको सपोर्ट मिलता रहे। बाकी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालने के बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो सीखें, लर्निंग में फोकस करें। पैसे तो आपके जनरेट हो ही जाएंगे, तो लर्निंग मेन रखें। बाकी आपको कोई सपोर्ट चाहिए, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू आपको सपोर्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।